ये देखिए कैसे भीतर में घुसाया गया है। देखिए इसको थोड़ा कुदाल में रखा जाए, कुछ रखने के लिए नहीं लाए हैं इसलिए। ये गमछा हम पहने हुए थे, इसी को इसी में रखे। ये देखिए इतना सारा। अब यहाँ फिर कोड़े और ये देखिए इसको तोड़ेंगे। यहाँ तोड़े और इस तरह से देखिए भीतर में फिर रखा हुआ है। बिल में कितना धान घुसाया रहता है। और ये सब भी है, ये सब घोंघा भी कभी कभार घुसा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर कितना तल्ला बना हुआ है। कल कहीं देखिए ये भीतर वाला में भी है और भी बहुत सारा है और ऊपर वाला में भी, दोनों बिल में है। ये लोग का रास्ता कैसे बना रहता है भीतर में भी, इधर भी है इधर भी है। देखिए बहुत सारा भीतर है लेकिन इसको कैसे निकाले समझ में नहीं आ रहा। इधर थोड़ा चलते हैं।
अपना घुसा कर रखा है। पहले इस खेत में धान था, अब धान को उठाया जा चुका है और इस तरह से हम लोग कोड़ने में लगे हुए हैं। देखिए कितना कोड़े हैं और यहाँ कलेक्शन करके रखे हैं धान को। देखिए एक बोरी और इसमें और भी है लग रहा है। देखिए बहुत बड़ा छेद है, बहुत लंबा छेद है। इस देखिए कितना सारा जमा करके रखा था और इसका हम लोग मिठाई बनाएंगे। हम लोग का पारंपरिक जो ये है, इस तरह से हम लोग का जो परंपरा है, इस तरह से हम लोग मिठाई बनाते हैं, उसी के अनुसार हम लोग मिठाई बनाएंगे। हालांकि इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, मतलब कोड़ के ही इसको निकालना चाहिए, नहीं तो सांप वाप का डर रहता है, लेकिन मैं आज रिस्क ले लिया हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारा हम लोग कलेक्शन कर चुके हैं, बहुत सारा निकाल चुके हैं। ये देखिए और इतना कोड़े हैं। देखिए भीतर में और होगा, मेरा हाथ जो है इतना तक घुस गया था, केहूनों तक घुस गया था मेरा हाथ, लेकिन इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, इतना भीतर तक हाथ नहीं घुसाना चाहिए, कुछ बिच्छू उच्छू हो जाए तो काट देगा। देखिए अभी भी भीतर में बहुत सारा धान है अगर इसको कोड़ा जाए, लेकिन बहुत गहरा लग रहा है इसका बिल, इसीलिए कोड़ नहीं पा रहे। चलिए अब जाएंगे।